मंगलवार को वो आदमी आ सकता है जिसके बवासीर है, जो ऑपरेशन कराने के लिए भी जा रहे हो ना जी, सिर्फ दो दिन वेट कर लो कि आज ऑपरेशन कराना, नहीं जी कल करवाएंगे हम, बस कल तक आप खुद नहीं कराओगे, इस बात की मैं गारंटी लिख के दूंगा। कोई पैसा? कोई पैसा नहीं जी उसके लिए, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लामा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणोर भाई फिलहाल बैठे हम भक्त कालिदास उर्फ सुखदेव जी के पास, और बालक गांव से पावड़ा और बालक के बीच में नया धाम बना लिया है भाई। यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो टाइलों की है, बालक से पावड़ा रोड पे चलते ही, मतलब भुना रोड पे आगे चल के करीब 3-3.5 किलोमीटर पड़ता है आगे गांव से, बालक गांव में नहीं बैठते अब, उसी रोड के ऊपर मेन रोड के ऊपर टाइलों की फैक्ट्री है, वहाँ पर बैठते हैं। माँ अघोरा काली धाम वहाँ पर मूर्ति की स्थापना कर दी गई है, और ये जगह जो है किराए को के लिए ली गई है अभी, तो बहुत बड़ी जगह है, रहने की व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर, यात्री जो बाहर से आते हैं उनको रहने की व्यवस्था के लिए ज़्यादातर ली गई है। तो आप लोगों की मैं बातें करवाऊँगा सभी कुछ, तो सबसे पहले तो जय महाकाली, जय महाकाल, जय माँ अघोरा काली जी। आपके लोक प्रसार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अभी जो आपने 100 रुपये की पर्ची कर दी है, हाँ जी, कि कैसे करी है? 3 दिन पूछा देखी जाती, पूछाड़े के लिए करी है या हर किसी के लिए की? देखो जी, क्योंकि चूंकि हम कोई पैसा नहीं लेते थे, अब ये फैक्ट्री ये जगह ले ली किराए पे रेंट पे, तो सारा खर्चा है जी वो कहाँ से, इसलिए हमने एक सीमित पर्ची लागू करी है जो 100 रुपये की पर्ची होगी, और शुक्रवार को आके अपना नंबर लगवाएं, जितने भी लोग शुक्रवार को आएंगे उनका नंबर लिखा जाएगा और फिर उनकी पूछा दी जाएगी, जब तक वो पूर्ण नहीं होगे तब तक आगे कोई नहीं लिखा जाएगा नंबर जी। तो मतलब समझ गए होगे भाई आप, शुक्रवार और शनिवार और एतवार 3 दिन पूछा देखी जाती है। शुक्रवार को यदि 150 आदमी आ जाते हैं, 150 नंबर लिख दिए, तो 3 दिन तक वही 40-50 रोजाना देखे जाते हैं पूछा में, तो वो 150 खत्म नहीं होंगे तब तक अगला नंबर नहीं लिखा जाएगा संडे तक। संडे तक यदि आप शुक्रवार को ही आएँ, ज़्यादातर कोशिश करें शुक्रवार को आएँ, आपका नाम लिखा जाए तो आपको बता दिया जाएगा आपका नंबर संडे को आएगा या कल आ जाएगा। 40 से 50 आदमी ही, 50 ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 40-45 कितने भी जाएंगे जी। यही है देखो, एक टाइम बहुत लगा, एक तो 40-50 आदमी ही निपट नहीं पावे क्योंकि सुबह शाम आरती का संध्या बीच समय हो जाता है, तो 40 से 50 आदमी ही निपट पाते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रख के आए जी, यहाँ पे इसलिए एक आश्रम किया है कि दूर से आते तो रहने की व्यवस्था, खाने की सारी सुविधा हो जाए, तो रहने की प्रॉपर अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है, तो आप ये देख के आए कि आपका नंबर नहीं, आप रुक भी सकते हैं, रुकने की कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है जी। खाने का यहाँ पे चार्ज है जी, ठीक है, और खाने का हमने उन्होंने 70 रुपये थाली कर दी है खाने की, ठीक है भाई, एक आदमी को 70 रुपये खिलाओगे, ठीक है। जिसके पास एक आधे बंदा ऐसा भी आ जाता है पैसे नहीं है, उसको पैसे जिसके पास नहीं है उसको आश्रम की तरफ से खिलाया जाएगा जी। बिल्कुल, यदि बिल्कुल ही गरीब आदमी आ जाता है जिसके पास भाई कोई हालत नहीं है इसकी, तो आश्रम की तरफ से उसको भोजन करवाया जाएगा, वही करवाएगा होटल वाला ही। तो रहने की कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर गद्दे हैं, पंखे चल रहे हैं ऊपर, यहाँ पर पूरी व्यवस्था रहने की, तो लेकिन अलग से रूम नहीं है भाई, हॉल हैं और बरंडे हैं, वहाँ पर आप अपना बिस्तर लगा के गद्दे लगा के रह सकते हैं, और भोजन की व्यवस्था यहाँ पर पेड है, 70 रुपये थाली की बता रहे हैं। शुक्रवार शनिवार और एतवार को ही आएँ। बालक हिसार से 10 नंबर बूथ पर बस लगती है, 10 नंबर बूथ पे लेके बस में टिकट कटवाएं जी बाढ़ की, कहते बाढ़ की कटवा लो जी, बाढ़ के डाणी वाले अड्डे पर उतरना, कनेक्टर को ये बोल दो, ये डाणी का बस स्टैंड अपने से 300 मीटर दूरी पे, 300 मीटर दूरी पे ये धाम है जी, बस स्टैंड से डाणी वाला बस स्टैंड बोल दो कि बाढ़ के डाणी वाला बस स्टैंड पर उतार दे, पापड़ा उतरने की आवश्यकता ही नहीं, पावड़ा की टिकट भी ले ले तो धाम के आगे उतार देते हैं, उतार देते थी बस, यहाँ पे रुकती भी है, उतारने भी लग गई जी बहुत अच्छे तरीके, और उतार देते हैं वही माँ का घोरा धाम के आगे उतार दे तो उतार देंगे, टिकट हिसार से आते हैं तो पावड़ा की लें, और यदि पावड़ा की तरफ से भुना की तरफ आते हैं तो बालक की टिकट लें आप, भाई फ्लाइंग मिल जाए रास्ते में तो गांव क्रॉस होने के बाद 10 गुना लगा देते हैं। या बिल्कुल सही बात कही, 10 गुना लगा देते हैं, क्योंकि आप टिकट बालक की ले ली, बालक से निकल के आगे यदि फ्लाइंग मिल जाती है आपको तो मानेंगे नहीं, बालक टिकट है तो आगे का वो 10 गुना लगाएंगे, तो इसलिए आप टिकट अगले गांव की ही ले। तो 4 दिन जो बच गए, हाँ जी, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, हाँ जी,
चार दिन की क्या व्यवस्था, चार दिन कौन लोग आपके पास आते? चार दिन वो आते जी जिसको मतलब पूछा और आने के बाद जिसका प्रोसेस शुरू होता है उनके समाधान का, उतारे का और उनके यंत्र उपचार, मंत्र उपचार और हवन उपचार किया जाता है जिनका, उनको बुलाया जाता है। रही सबसे मेन बात बता दूं जिसके ऊपर तंत्र क्रिया है, ओपरी प्राई है, ठीक है, भूत प्रेत की बाधा है, पेशियां वगैरह हाजिरी आ रही है जिनमें, वह लोग आए जी। देखो वशीकरण का, पैसे फंसे हुए का, गुमशुदा का हमारे पास कोई उपचार नहीं है, वो ना कि समय बर्बाद ना करे अपना भी और हमारा भी जी, ठीक है। हाँ जी, मैं तो ये कहता हूँ दुखी व्यक्ति ही आए जिसको ये नेगेटिविटी का दुख है, किसी को तंत्र की भूत प्रेत बाधाएं विकार जो है और अन्य विकार है मानसिक जो विकार। एक एक और आपको बता दूं जी, मैं बवासीर का धागा दिया जाता है जी, बिल्कुल मंगलवार को बवासीर का धागा दिया जाता है। अरे भाई बवासीर का धागा ऐसा है, एक बार बांध लोगे आप तो गुड़ गाओगे। दूसरे दिन मैंने कह रहा हूँ जी ऑपरेशन कराने के लिए भी जा रहे हो ना जी, सिर्फ दो दिन वेट कर लो कि आज ऑपरेशन कराना, नहीं जी कल करवाएंगे हम, बस कल तक आप खुद नहीं कराओगे, इस बात की मैं गारंटी लिख के दूंगा। अच्छा हाँ जी, तो भाई इससे इससे बड़ी क्या चीज होगी, बवासीर के लिए गारंटी लिख के दे रहे कि बवासीर का धागा यानी कि एक तावीज दिया जाएगा, सिर्फ धागा सिंपल, एक सिंपल धागा दिया जाएगा और आपकी बवासीर ठीक जी। बिल्कुल हाँ जी, कोई पैसा? कोई पैसा नहीं जी उसके लिए, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ठीक है। बवासीर का हाँ जी, बवासीर के तागे का, बवासीर के तावीज का, तागे के तावीज का कोई चार्ज नहीं है जी, ठीक है। अच्छा एक बात और रहेगी जी, जो यहाँ पे आता है कई बार फोन आते, फोन जिसके भी फोन आओ नहीं लंबा सब, वो ये पूछता है के लेके आना है, के लेके आना है, तो यहाँ के सारे मेंबर ने बैठ के अच्छे से सलाह करी, वो करी भाई क्या सारे लोगों का मानसिकता क्या लेके आए, तो हमने एक मतलब निर्णय लिया है कि भाई क्यों न हम किसी को नाराज न करके बोल दें गुड़ लेके आवे, ताकि हम ड्राम इकट्ठा करके और वो गौशाला में पहुंचा दें। अच्छा ठीक है, जो श्रद्धा सम्मान जो आपकी इच्छा है वो गुड़ ले आ सके जी आपका गौशाला के लिए। क्या बात है, गौशाला यहाँ भी है भाई, बहुत बड़ा डेरा है बालक में, पुराना डेरा है बाबा का, उसमें गौशाला भी है, गऊ भी रखती है, तो आप जितना भी 100 ग्राम 200 ग्राम पाइया आपकी श्रद्धा जितना भी, तो गुड़ ले आए, वो कर्म का कर्म और धर्म का धर्म, गौओं के लिए जाएगा वो, आपका प्रसाद रूप में भी आ गया वो, और हमने सीधा गौशाला में आपके नाम का पुण्य है जी वो, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है भाई, क्योंकि एक तो ये मन में मिट गई कि मैं मंगाया को नहीं मन में, तो प्रसाद और वोट बट मंगाने की बजाय जी हमने सोचा भी गुड़ मंगा ले अच्छी बात है, उनके नाम का पुण्य कर्म हो जाएगा किसी का, आपके नाम का पुण्य गौशाला में चला जाएगा। आप यहाँ आएंगे तो वो प्रसाद के रूप में माँ काली को और माँ घोरा को प्रसाद भी चढ़ जाएगा और वो यूं का यूं का उछाला में चला जाएगा। तो आप लोगों के लिए भाई और कोई चीज़, अन्य चीज़ें तो कुछ भी करा जा सकता है भाई, न्यू भी कहते तेल चढ़ाओ बेचा बेचता होगा, लेकिन गुड्स है उसको के बेच के करेगा आदमी, हर गौशाला के लिए है भाई। तो दूसरी बात, 100 रुपये तो पर्ची की हो गई आपके, और जो चार दिन जो बच गए उसके अंदर ये आ सकते, मंगलवार को सिर्फ मंगलवार को ही देंगे वो, सिर्फ वो धागा मंगलवार को देंगे जी, क्योंकि एक धागा बनाने को 3 से 4 मिनट लगती है जी। अच्छा अच्छा, जो आते हैं वो जो नंबर लिखवाएंगे धागा वाले, भी इतनी भीड़ हो जाएगी तो उनकी भी 100 रुपये पर्ची कटेगी? बिल्कुल जी। अच्छा बिल्कुल कटेगी भाई, पर्ची तो देखो सबकी कटेगी, जो भी आएगा यहाँ पर दाम पर 100 रुपये ही पर्ची कटेगी, धागे का कोई पैसा नहीं है, वो आओ और फटाफट फटाफट बना के रख देंगे मंगलवार को, जैसे इधर बना के रख रखे हैं अभी भी, तो वो धागे ले जाओ अपने और बवासीर गायब आपकी। 2 दिन में बताओगा जी, 2 दिन में रिजल्ट बताओगा, मैंने उनको कहा था 20 दिन में ठीक हो जो होगी भाई आस्ते 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 ना, दूसरे दिन में बताओगा भाई मेरा राम हो रहा है। हाँ, बस और कैसी भी हो जी, ये नहीं जी खुन्नी हो, बादी हो, खुजली वाली हो, कैसी भी हो, भगंदर हो, बिना दवाई सिर्फ धागे से। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई देखिए रास्ता और बता देते हैं आपको, बता भी दिया है फिर बता देते हैं, इशार में 10 नंबर बूथ के ऊपर बस लगती है बुना पावड़ा वाली, उसमें बैठे कहीं से भी आप इशार आए, इशार बालक गांव इशार भर लोगे लोकेशन में, तो वो आपके यहाँ माँ घोरा धाम में लाके छोड़ेगा आपको लोकेशन। बता क्या मतलब, बस में चढ़ते उसने बोलते बालक ढाणी की टिकट दे दे, बालक ढाणी बस स्टैंड की टिकट कटती है जी, तो बालक ढाणी की टिकट दे देगा, उतार भी दे, बस तो बालक ढाणी की टिकट ले लो भाई आप, यानी कि बालक गांव की बजाय बालक ढाणी की टिकट लें हिसार से, और वो वहां पर उतार देगा। बस एक किला लगता है, एक किला लगता भी नहीं, 400 मीटर। हाँ ये एक किला पे आपको मतलब साथ में ही है बालक ढाणी, तो यहाँ पर आप इस दिन आ सकते हैं, 3 दिन पूछा करवा सकते हैं आप। अच्छा जी, और जिस जो पढ़े लिखे है भाई, फोन ना करने की बजाय लोकेशन डाल लो जी, माँ अघोरा काली दरबार, लोकेशन से भी आ सकते हैं, गूगल पे लोकेशन है जी, बताओ तो गूगल पे लोकेशन भी, माँ अघोरा काली धाम बालक हिसार
तो भरोगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी सीधी, यहाँ पर लाके छोड़ेगी आपको, गाड़ी में आते हैं तो आप बार बार कॉल इसके लिए न करें, वीडियो को पूरी देखा करो, हर वीडियो को पूरी देखा करो आप। और भाई पूछा, तीन दिन देखी जाती है, कैसा भी संकट आपको है, किसी भी प्रकार का कोई संकट है, सिर्फ एक तो लव वाला, लव मैरिज वाला वो ना हो, एक जिसके पैसे गुम और एक चोरी वाला, ये तीन चीज, तीन लोग तो आओ ना भाई, प्रेम कथाड़ा ना हो रो कोई भी, ये ना हो, बाकी के सभी कोई लोग और जो दुखाड़े ने जी, वे भी वही लोग आए जो वैदिक विधि को अपना सके है, अवन दूध क्रिया को, हाँ जी, जो उपाय, हाँ जो उपाय कर सकते हैं, इनके बताए हुए उपाय करे वही आए लोग, यहाँ के यूं न कहे धूप मेरे पत कौन खेई जाए, 41 दिन मेरे पत ये कौन करा जा, मेरे भाई 21 दिन यू कौन करा जा, तो देखिए उसका कोई समाधान नहीं ऐसे लोगों एक का बात पता क्या लंबा साहब, हर कोई भी चीज है आप ये मुट्ठी बंद कर लें जी, इतनी एक महीना बाद खुला ही नहीं, खुला को नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई और नहीं, ये नियम है भाई मंदिर के, और लोगों के 20-20 साल पुरानी ओपरी सोचा मेरी 2 मिनट में ठीक हो जाए, तो नहीं जी, प्रोसेस होता कर्मों का, जब हम हवन और दुफिया करना शुरू करोगे तो हर दिन आपको महसूस होगा भाई हम ठीक होना शुरू हो गए, एकदम कुछ नहीं होता जी, चुटकियों से कुछ नहीं होता, समाधान एकदम बता सकते हैं, समाधान बताने ये बता दिया, समाधान ही है ये कि कई लोग आए हैं बोला जी आपने तो बोला था एक बार में ही समाधान, समाधान एक बार में ही बताते हैं भाई, ये करिए कर्म करना अपनी लगातार, क्योंकि शास्त्र सबके लिए एक है, तो ये कर्म बता दिए वो कंटिन्यू करते रहो, फर्क दिन प्रतिदिन होगा, तो इसी जैसे समाधान चाहिए ना जी, वो पूर्णिमा अमावस्या को हवन भी होते हैं, शनिवार को हवन भी होते हैं, दिन के भी होते हैं, रात को माता दशमा विद्याओं के पाठ भी होते हैं जी, रात्रि की पूजा भी होती है, वो रात को भी आ सकते हैं जी, बताओ जिसको सिर्फ समाधान चाहिए वो शनिवार को रात्रि को आ सकते हैं, शाम को आ सकते हैं, यहाँ पर रात्रि हवन चलते हैं, यात्री खूब आते हैं, खुला वातावरण के अंदर, यहाँ पर यूं नहीं को छुपा के किया जाता है, खूब लाइटों के अंदर, अच्छा बढ़िया, मैं बताऊं लाम सर डरने की आवश्यकता नहीं है, प्योर सात्विक, बिल्कुल शुद्ध सात्विक क्रियाएं हैं, किसी प्रकार का टोना टोटका या ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो हमारे धर्म के खिलाफ हो, सिर्फ और सिर्फ वैदिक विधि है, आप दिन में आ सकते हो, रात को आ सकते हो, समाधान के लिए कोई दिक्कत नहीं, शनिवार को पूर्णिमा और अमावस्या को हवन होते हैं उस पर आ सकते हैं बिल्कुल, और उसी को आए जिसको समाधान चाहिए, तो महाराज 7 तारीख को 7 मई को रात्रि का हवन है और 8 मई को सुबह दिन का हवन है जी, जिसके 8 मई को अमावस्या में दिन पे हवन पे बुलाया है वो 10 बजे से पहले पहुंचे क्योंकि 10 बजे हवन शुरू हो जाएगा, और जिसको 23 मई को पूर्णिमा के हवन पे बुलाया है वो 23 मई को 10 बजे पहुंच जाए जी, ठीक है, 7 मई को शाम को आने वाले, शाम को आने वाले 7 मई को 8-9 बजे तक आ सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, 10 बजे तक, हाँ जी बिल्कुल, रात्रि को हवन होता है, तो 14 को रात्रि को हवन होगा, नहीं जी, रात्रि को 3 दिन होता है, शनिवार को भी होता है, अमावस्या और पूर्णिमा को भी होता है, और पूर्णिमा और अमावस्या को दिन का हवन भी होता है, सिर्फ शनिवार को दिन को नहीं होता जी, ठीक है, 8 तारीख की अमावस्या, हाँ जी 8 तारीख की अमावस्या है, दिन को हवन वाले 8 तारीख को आए, रात्रि के हवन वाले 7 को आए, ठीक है जी, जय श्री राम, तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।